क्लास नाइन्थ मैथ्स चैप्टर 10 न्यू बुक का ओल्ड बुक में ये चैप्टर 12 है हीरोन्स फॉर्मूला हीरोन का सूत्र एक्सरसाइज 10.1 हम कर रहे हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन कि एक यातायात संकेत बोर्ड आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। इस हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन इंग्लिश में देखिए कि आ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। बेटा आपको एक जो है समबाहु त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, स्कूल अहेड इस तरीके से इसमें लिखा है और इसकी जो भुजा है वो कितनी है बेटा ए। और क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी ए सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसमें लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज की भुजा साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना बेटा ए सेंटीमीटर। सब सारी ए सेंटीमीटर दे रखे, सारी ए सेंटीमीटर हो गई तो आप बोलेंगे कि परिमाप यानी पैरिमीटर। पैरिमीटर क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग यानी ए प्लस ए प्लस ए बराबर कितना हो गया बेटा 180 सेंटीमीटर। आपको दे रखा है कि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है, पैरिमीटर इज 180 सेंटीमीटर, तो आपने ये लिख दिया a प्लस ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये कितना हो गया बेटा 180 सेंटीमीटर हो गया 3। ठीक है, अब 3 a के साथ गुना हो रहा है तो यहां जाकर क्या हो जाएगा ये भाग हो जाएगा, 3 एकम 3 3 6 18 0 तो a का मान कितना आ गया 60। कहने का क्या मतलब है कि सारी भुजाएं आपकी क्या है बेटा 60 सेंटीमीटर की है, सारी भुजाएं क्या है 60 सेंटीमीटर की है बेटा। अब आगे क्या बोल रहा है कि हमें इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्या निकालना है एरिया निकालना है, तो हम हीरोन सूत्र से निकालेंगे। तो हीरोन सूत्र से बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर द रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है बेटा। अब यहां पर आप सबसे पहले एस निकाल लेंगे तो एस इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, या फिर आप इसको और एक भाषा में लिख सकते हैं कि परिमाप यानी पैरिमीटर बटे दो। तो पैरिमीटर कितना दे रखा है 180 और बटे में क्या लिख देंगे दो, तो दो एकम दो और दो नीम 18 जीरो आपके पास में बेटा 90 क्या आ गया एस आ गया, समझ गए 90 एस आ गया। अब हम इसको फॉर्मूले पर डाल देंगे तो यहां देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब मैं इसको आगे लिख रहा हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर द रूट पहले तो एस का मान 90, फिर 90 में से 60 एक भुजा का मान आ गया बेटा, हाँ फिर 90 में से रिपीट हमने 60 निकाल दिया, फिर 90 में से रिपीट हमने 60 निकाल दिया, तीन बार आप तीनों भुजाओं एबीसी तीनों का मान ही 60 है इसलिए 60 लिखेंगे। अब आप इसको क्या लिखेंगे अंडर रूट 90 इधर लिखा ही है गुना 90 में से 60 गए तो 30 बचे, 90 में से 60 गए तो 30 बचे और 90 में से 60 गए तो 30 बचे। ठीक है 30 30 30 तीनों आ गया। अब हम इसको आगे यहां कर लेते हैं तो आपके पास में अंडर रूट में लिखा हुआ है 90 के टुकड़े करेंगे 3 तिया 9 और गुना में 2 5 10 3 तिया 9 और 2 5 10 90 9 धाम 90 90 के टुकड़े हो गए और इसी तरीके से 3 गुना 2 गुना 5 3 दूनी 6 और 6 5 30 यही टुकड़े आप यहां पे लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 5 एक बार और फिर रिपीट 3 गुना 2 गुना 5। तो देखो बेटा आपके पास देखो ये 90 के टुकड़े हुए, ये आपके 30 के, ये दूसरे 30 के और ये तीसरे 30 के, यही तो दे रखा था ना आपको। अब यहां से आप इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो जोड़े में से एक 3 आप लिखेंगे, मैं इसको हटा देता हूं
अब जोड़ा बनाएंगे, जोड़े में से एक तीन लिख दिया गुना बाहर निकालने के लिए, फिर ये दो और ये दो, एक दो आ गया गुना, ये पांच और ये पांच से एक पांच आ गया, फिर ये तीन से और ये तीन से एक तीन आ गया, फिर ये दो से ये दो एक दो आ गया, और ये पांच से ये पांच एक पांच आ गया, और गुना में आपके पास ये वाला तीन अंडर रूट में अकेला बच गया, इसलिए इसे वर्गमूल में ही रखेंगे। अब आप इसे गुना कर देंगे तो दो पंजे दस और दो पंजे दस, तो देखो तीन तिया नौ, दो पंजे दस, दो पंजे दस वर्गमूल तीन, नौ धाम नब्बे और नब्बे धाम नौ सौ, नौ सौ वर्गमूल तीन सेंटीमीटर का स्क्वायर, हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। ये आपके पास में आ गया इसका सॉल्यूशन। तो ये जो आपका जो बोर्ड था इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए आपको, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्ति होती है। इस एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। देखो बेटा यहां पर पूरे सवाल को करेंगे, पूरा किराया वगैरह निकालकर सब चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको यहां पर त्रिभुज की भुजाएं आपको पहले पता है कि त्रिभुज की भुजाएं A इक्वल्स टू 122 मीटर, B इक्वल्स टू 120 मीटर, C बराबर 22 मीटर। तो S निकालेंगे आप, S क्या होता है बेटा, A प्लस B प्लस C यानी परिमाप बटे दो। परिमाप क्या है, 122 जमा 120 जमा 22 बटे दो, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया और दो से भाग कर दिया। अब आप इसको जोड़ देंगे बेटा, तो आप इसे जोड़ेंगे तो आएगा दो और दो चार, दो दो चार दो छः, एक और एक दो, 264 अपॉन टू, दो से काटेंगे दो एकम दो, दो एकम दो, दो तीन छः, दो दुनी चार, आपके पास ही आ गया 132 मीटर। ठीक है बेटा, ये निकल कर आ गया। अब आप यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और हिरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बेटा एस का मान आपने निकाला ही है 132 ब्रैकेट 132 माइनस में 122 पहली भुजा माइनस करिए, फिर 132 माइनस में 120 दूसरी भुजा माइनस करिए, और फिर 132 माइनस में 22 तीसरी भुजा माइनस। अब हम इसको आगे करेंगे तो 132 ऐसे का ऐसे एज इट इज लिखना होगा हमें, और गुना में 132 में से 122 गया तो केवल 10 बचेगा आपके पास, वो 10 लिख दिया गुना 132 में से 120 गया तो आपके पास 12 बचा, गुना में 132 में से 22 गया तो आपके पास कितना बचा 110 बचा, 110। ठीक है बेटा, 110 और 22 कितना होगा 132 हो जाएगा। समझ गए बात को, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 132 के जब हम टुकड़े करेंगे तो अब आपको यहां पर गुणन का फैक्टर करने हैं, 132 के यहां पर आप फैक्टर कर लीजिए, दो से दो छिक 12, दो छिक 12 फिर दो से दो तीया छः, दो तीया छः फिर तीन से तीन एकम तीन, तीन एकम तीन और ग्यारह से ग्यारह एकम ग्यारह। अब आप यहाँ पर इनको लिखेंगे फैक्टर्स को जो आपने टुकड़े करे, 132 के क्या टुकड़े बने, दो गुना दो गुना तीन गुना ग्यारह। नेक्स्ट है 10, तो 10 के टुकड़े आपको पता है दो धाम दो पंजे 10। 12 के टुकड़े क्या होंगे बेटा, दो दूनी दो दूनी चार तीया 12। ठीक है बेटा, अब 110 के टुकड़े करेंगे बेटा, 110 के टुकड़े करेंगे तो ये क्या होगा, दो पंजे 10 और 10 को 11 से गुना करेंगे तो 11 धाम 110 होता है। ठीक है, अब जोड़े में से बाहर निकालना शुरू करेंगे, तो देखो बेटा दो में से एक दो बाहर, तीन ये रहा और एक तीन ये रहा, और कोई तीन हमें नजर भी नहीं आ रहा, 11 एक ये रहा और 11 एक ये रहा, 11 बाहर आ गया दोनों में से, दो में से दो इन दोनों में से एक दो बाहर, ये और ये दोनों मिलाकर पांच में से एक पांच बाहर, ये दोनों दो में से एक दो बाहर, सब कुछ बाहर आ गया, कुछ भी अकेला हमारे पास नहीं बचा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए दो पंजे 10 और 10 दुनी 20, यहां तक 20 आ गया, दो तिया 6, दो तिया 6 और 11 से 66, तो ये हो गया 66 गुना 20, और 66 को 20 से जब आप गुना करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा दो छिक 12, जीरो का जीरो, दो छिक 12 का दो, हंसिल आया एक, दो छिक 12 और एक
1320 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास में क्षेत्रफल आ गया इस पूरे क्षेत्रफल में। अब सवाल बोल रहा है कि प्रति वर्ष यानी एक वर्ष में एक मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना है? 5,000 रुपये। याद रखिएगा, तो बेटा 3 महीने के लिए कितना खर्च आ जाएगा आप ये देखेंगे ना सबसे पहले, क्योंकि एक वर्ष के लिए बोल रहा है और वो विज्ञापन कितने दिन के लिए ले रहा है? 3 महीने के लिए ले रहा है, एक वर्ष के लिए वो नहीं ले रहा पूरे साल के लिए। तो इसको करेंगे 3 माह के लिए, 3 माह में 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च। तो बेटा देखो, जब आपने 1 साल का 3 माह कर दिया, कितने टुकड़े कर दिए? बेटा देखो, ये आपके पास में 1 है और आपने इसको क्या कर दिया, टोटल ये 12 है। टोटल कितना है? 12, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12। यानी कि आपने 1 हिस्सा लिया तो 1/4 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका भी आप क्या कर देंगे, 5,000 का 1/4 कर देंगे, तो इसको क्या कर देंगे, 5,000 भाग में 4 कर देंगे, इतने रुपए आ जाएंगे 3 महीने के लिए, इतने रुपए आ जाएंगे 1 मीटर स्क्वायर पर। याद रखना, अभी 1 मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, तो इसको मैं भाग नहीं कर रहा, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, इतने रुपए आ गए। अब आगे बोल रहा है कि इतने मीटर स्क्वायर पर कितना पैसा लगेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर पर लग रहा था, मैं यहां लिखूंगा कि 3 माह में 1320 मीटर स्क्वायर पर खर्च। बेटा कुल 1320 मीटर स्क्वायर का बोर्ड है हमारा, 1 मीटर स्क्वायर पर इतना पैसा लग रहा है, 1320 मीटर स्क्वायर पर और पैसा लगेगा, तो इससे इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 5,000 बटे में 4 गुना में 1320। अब आप इसको करेंगे भाग, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 0, मैंने नीचे से भाग कर दिया देखो वहां। अब हमारा गुना करना आसान हो जाएगा, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए बेटा 3 0 ये रही और 1 0 ये रही, तो टोटल 4 0 हो गई। ये 4 0 आप बिल्कुल लगा दीजिए। अब 5 से भाग करिए, 5 तिया 15 का 5, आंसर 1, 5 तिया 15 और 1 16। टोटल आपका पैसा कितना लगेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपए का आपका टोटल खर्चा आएगा। ठीक है, कंपनी 3 महीने के लिए जो बोल्ड लेगी उस पर 16,50,000 रुपए खर्च करेगी। समझ गए आप बात को, तो नोट करिए इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।